सुनना चाहेंगे आपको कि अभी ऑन पैसिव का जो अभी चल रहा है सिनेरियो चल रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है और ऐसे में हम लोगों के अपने माइंडसेट को कैसे स्टेबल रखना है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने स्वाति जी के फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है ऑन पैसिव का वो बहुत ही वंडरफुल है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि देखिए आज का टॉपिक भी है टेक्नोलॉजी विद ऑन पैसिव और टेक्नोलॉजी एंड ऑन पैसिव। अगर हम टोटलिटी में देखें, आज जितना भी बदलाव हम देख रहे हैं ना आसपास, वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है और ऑन पैसिव की वजह से। सबसे बढ़िया बात तो ये हो रही है कि एक आम आदमी संपत भाई के टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझने लगा है। नहीं तो आप और हम कहाँ समझते थे यार, इंटरनेट को बस फेसबुक चला ली, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, एक आम आदमी वहीं तक तो सीमित था। लेकिन आज हम ऑन पैसिव की वजह से एक कॉमन मैन ये समझ पा रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल एक आम आदमी के लिए कैसे किया जा सकता है, ये समझ में आ रही है ऑन पैसिव की वजह से। आज तक बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल तो किया लेकिन उसका दायरा सीमित रखा, वो अपने तक, यानी कि जो उसका बेनिफिट था, फाइनेंशियल बेनिफिट, वो चंद लोगों और चंद कंपनियों तक ही सीमित रह गया। एक सबसे बड़ा बदलाव जो ऑन पैसिव की वजह से होने जा रहा है इस समाज में, वो ये होने जा रहा है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट एक कॉमन मैन की तरफ जा रहा है। जो मतलब रास्ता है वो एक आम आदमी को खास बनाने की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव ऑन पैसिव की वजह से हो रहा है। वर्तमान सिनेरियो की बात अगर हम करें कि एस सर ने बोला था कि जो अभी संपत भाई ने बोला था कि अप्रैल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ लोग इसको लेकर नेगेटिव भी बातें कर रहे होंगे डेफिनेटली, लेकिन कितनी भी बात आप नेगेटिव कर लो भाई, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात कितनी भी कर लो, कितनी भी, मैं अपनी हरियाणवी भाषा में बोल रहा हूँ यह बात, मगर भाई कितनी नेगेटिव कर लो उसका कुछ हासिल नहीं होना रहा, उससे मतलब हिंदी में बोलूंगा तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप केवल अपने समय को खराब कर रहे हो। हमें बीइंग है, हम यहाँ केवल, हम कोई केवल कस्टमर या किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इट्स आवर कंपनी, ये हमारी है भाई, और जब कोई चीज हमारी होती है तो उसकी कमियां भी हमारी है और उसकी खूबियां भी हमारी। तो अगर आप अपनी कंपनी को मान रहे हैं, किसी हमारे सीईओ ने कुछ बात बोली है, तो ये टेक्नोलॉजी है, संपत भाई ने भी बोला कि प्रॉपरली जिस तरह से प्रोसेस को लेकर चल रहे थे, हो सकता है कि उस तरह से ना हो रहा हो, ना हुआ हो, कोई बात नहीं, उसको दुरुस्त किया जाएगा, वो आगे हो जाएगा, इतनी तो बात है। लेकिन समस्या क्या है संपत भाई, हम सभी लोगों ने अपनी उम्मीदों को बहुत बढ़ाकर ऑन पैसिव के साथ जल्दी से जल्दी पूरा करने की चाहत जो पैदा कर ली है, वो कहीं ना कहीं पेन पैदा करती है। अरे बस मेरे जल्दी हो जाए यार, बस मुझे ये करना हो जाएगा, नो डाउट सारी चीजें होंगी। इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। आज मेरी किसी एक भाई से बात हो रही थी, अजय शर्मा जी से बात हो रही थी, मॉर्निंग में 1.5 घंटा बात हुई और इतने गहराई से हमने इस पूरे फ्यूचर के ऊपर भी चर्चा करी और एक चीज समझ में आई है कि ये इतना विशाल है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और इतनी सारी मैसिव कंपनियों का एक संगठन होने जा रहा है ऑन पैसिव। चाहे वो फिजिकल टूल की बात करें, चाहे मतलब क्या बोलते हैं वर्चुअल टूल की बात करें, इसके साथ साथ हम फिजिकल टूल में भी इतनी वेरिएशन के साथ आने जा रहे हैं कि मतलब दिमाग वो ब्लास्ट हो सकता है एक आम आदमी का, अगर आप अपने आप को बनाकर नहीं चले तो। आप फिजिकल टूल की जब हम बात करते हैं, हम कोई किसी भी एक सेक्टर को भी नहीं छोड़ने वाले इन फ्यूचर, राइट। हम एनर्जी हो, ये जो डिजिटल और गैजेट्स की इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गैजेट्स जब मार्केट में आएंगे तो उन सारी चीजों को वेयर करने के लिए पैसा चाहिए और फाउंडर्स की जो लाइफ है वो इतनी अमेजिंग होने जा रही है ऑन पैसिव के साथ। तो उस प्रतीक्षा की घड़ी को का आनंद लेना चाहिए। आज मैंने एक स्टेटस भी लगाया था कि जब आप प्रतीक्षा सही नजरिए के साथ करते हैं तो आपको आनंद लेने में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो बिल्कुल नजरिए के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं। हरीश जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। आपने जो बताया ना कि प्रतीक्षा का आनंद लीजिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से 101% सहमत हूँ। मैं हर बार यही कहता हूँ दोस्तों, ऑन पैसिव अभी जो लॉन्चिंग प्रोसेस में चल रहा है उसका आप एंजॉय लीजिए, आप मजे से इसको देखिए। जो प्रोसेस जो बन रही है आपके सामने ऑन पैसिव, और एक फैक्ट तरीके से बन रही है और बहुत ही बड़े तरीके से, जैसा कि हरीश भाई ने बताया है, 1% भी अगर इसमें कमी रहेगी तो आपके सामने नहीं परोसा जाएगा, पहले इसको दुरुस्त किया जाएगा। तो आप इस प्रोसेस का एंजॉय लीजिए। हमारे सीईओ ने कहा है, नो डाउट, इसमें कोई मतलब ये डाउट नहीं है, उन्होंने कहा था कि आने वाले कमिंग डेज में मतलब 3-4 दिन में OES जो कि नया वर्जन वाला हमारे बीच में आया जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ न कुछ कमी पैसी रह गई हो, इस वजह से भी डिले हो। तो हरीश भाई क्या कहना चाहेंगे, जो पिछला वेबिनार हुआ था कॉर्पोरेट वेबिनार, और उसमें कुछ समय का इधर उधर फेरफार हो रहा, तो प्लीज अपना वक्तव्य रखिए सर। कोई बात नहीं, देखो संपत भाई, ये ऐसे ही चलेगा। मतलब देखिए, आपने देखा होगा जब हम कोई चीज कंस्ट्रक्टिव करते हैं, आई थिंक आवाज चली गई है हरीश भाई की। आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा है, तो होपफुली वो जल्दी जुड़ पाएंगे हमारे साथ में। तो सर वाकई जी खुशबू जी को ले लेते हैं मैम। बिल्कुल, यस। तो मैं तो सर थोड़ा शायद नेटवर्क डिस्टर्बेंस था। मैं कह रहा हूँ कि जब हम किसी भी मकान को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या हमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि हम एग्जैक्टली टाइम बाउंड करके ही कर पाते हैं? जब आप कंस्ट्रक्टिव कोई काम करते हैं, क्योंकि वो काम डिपेंड करता है अदर पर्संस के ऊपर भी, तो टाइम का इधर से उधर होना वो लाजमी है। कई बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती उस समय टाइम बाउंडेशन के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें होंगी। लेकिन इसके पीछे का जो थीम है ना, हमें उसको पकड़ के चलना पड़ेगा कि हम किस OES और पूरी की पूरी टेक्निकल टीम किस वजह से और कितनी डेडिकेटली सारी चीजें के ऊपर ध्यान दे रही है। आज संपत भाई मेरे को जब मैं आज दिन में था तो मुझे एक चीज एकदम माइंड में हिट हुई। आज हम YouTube को देख रहे हैं, क्या कभी किसी ने सोचा कि, मतलब सोचा ही होगा, लेकिन हम आपस में बात कर रहे हैं कि क्या कभी ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ इतने बड़ा डिजाइन किया गया है? फेसबुक को क्या आज जितना बड़ा हम देख पा रहे हैं, क्या वो शुरुआत में उतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ थी? क्या गूगल इतनी बड़ी आज हम देख पा रहे हैं, क्या वो उतनी प्लानिंग थी उनकी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि गूगल में एक टाइम ऐसा आया था कि उसको बंद करने का विचार आया था उनके फाउंडर्स के अंदर, है ना? यानी कि वो उतने प्रॉपर प्लान के साथ शुरू नहीं किया गया, लेकिन वो लकीली वो दौर ऐसा था, इंटरनेट की शुरुआत थी और उन्होंने उन सारी चीजों को कैप्चर किया, और वो आज ना चाहते हुए मतलब इम्प्रॉपर प्लानिंग की होने की वजह से भी, लेकिन वो लोगों की जरूरत की वजह से वो आज इतना बड़ा हो गया। ऑन पैसिव को अगर आप देखें, एक कदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ रखा जा रहा है। क्या किसी ने सोचा था बुर्ज खलीफा जैसे में ऑफिस होना? वो प्लान का एक हिस्सा है। क्या किसी ने सोचा था ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन जैसा 10 साल के लिए हायर कर लेना? वो प्लान का हिस्सा है। बेस्ट मूवमेंट कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप होना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर काम कर रहे, वो प्लान का हिस्सा है। बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करना, डिफेंस डे सेलिब्रेट करना, वो प्लान का हिस्सा। यानी कि हम प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कोई चीज जब प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट होती है तो उसका जो मतलब एग्जीक्यूशन होगा वो इतना मैसिव होगा, और उसका इम्पैक्ट हर एक फाउंडर मेंबर के ऊपर और हर एक इंडिविजुअल ऑन पैसिवियंस के या इंटरनेट यूजर्स के ऊपर वो पड़ने वाला है, वो बहुत मैसिव होगा। बस समय थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उन चीजों पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और बेशक होते हो तो भाई बेशक होते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी किसी फर्क नहीं पड़ना। ये भी हमने नहीं सोचा था कि अप्रैल महीने में 2 न्यूक्लियर बम जो कि अपडेट के रूप में गिरने वाले, ये भी हमने नहीं सोचा था, लेकिन हो रहा है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वी आर ऑन दैट राइट ट्रैक। और सबसे मैं एक्साइटेड इसलिए हो जाता हूँ संपत भाई, खुशबू मैम और स्वाति जी, कि एक चलो हाँ, हमने अपने जीवन में 30-40 साल मतलब 25-30 साल तो मेरे को भी हो गए बिजनेस कैरियर में। अपने लाइफ में इस पड़ाव पर आकर हमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक कदम उठा लिया OnPassive के रूप में, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए स्टेबिलिटी दे रहा है। संपत भाई, सबसे गंभीर समस्या है जो अनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आदमी कितने कितने काम करता है। यार आपने भी बहुत सारे काम किए होंगे, मैंने भी किए और हम सभी लोगों ने बहुत सारे काम किए केवल स्टेबिलिटी के लिए ना, एक आर्थिक स्तर हमारा स्टेबल रहे, और क्योंकि उसी के दम पर सारी चीजें बैक एंड पे काम होने वाली है। और आज OnPassive में आकर इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हम एक स्टेबल बिजनेस में है, आज नहीं तो कल वो तो होना ही होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर हमेशा बोलते हैं इट्स अ डन डील। जब डन डील कह दिया एक आदमी ने, 4 साल से जो लगातार आज तक वो बात बोल रहा है, तो उसके पास वो मादा है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, उसके पास वो समझ है और उसके पास वो भावनाएं हैं जो पूरी मानव जाति के विकास के लिए काम करने की है। तो इससे पावर ऑफ, इससे बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, ये भावनाओं का बिजनेस है। तो उसी आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, बिकॉज वी आर OnPassive, राइट? ओवर टू यू। सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। अभी जो दिमाग के सारे जिनके भी थोड़े बहुत डाउट होंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। इंजॉय कीजिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। तो खुशबू मैम, आप क्या कहना चाहते हो इसमें? आप मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि हरीश सर टीचर हैं, और टीचर जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के निकाल के लाता है ना कि वो जितने दिमाग के कचड़े होते हैं वो सब झाड़ू की तरफ बाहर निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से सर ने समझाया है। और यस, कंस्ट्रक्शन का जो एग्जाम्पल दिया है, तो कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि जब हम मकान बनाने जाते हैं तो पहले सोचते कि ऐसा बनाएंगे, लेकिन फिर इंटीरियर करते तो सोचते नहीं इसमें ये भी करवा लेते हैं, ये भी करवा लेते हैं। तो वही चीज हमारी कंपनी के साथ हो रही है कि ये भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ और ये भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, और उसी ऐड ऑन के चलते और उसी मॉडर्नाइजेशन के चलते ये जो टाइम पीरियड लग रहा है, या ये जो आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसे डिले मानते हैं, तो ये सोचिए कि ये जो डिले होगा उसके बाद जो हमारा मकान तैयार होके आएगा उसे हम देखेंगे तो वो कितना खूबसूरत होगा, हमारी कल्पनाओं से परे होगा। तो बस वेट कीजिए, अपने ड्रीम आपने बिग किए हैं और इतने दिन आपने संघर्ष किया है, कुछ और दिन सही, उसके बाद आपकी जिंदगी ऊंचे लेवल पे होगी, बहुत तरक्की पे होगी। वेट कीजिए और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखिए। 3-4 जो प्रोडक्ट आए हैं उनकी क्वालिटी देख के आगे के प्रोडक्ट की क्वालिटी को एडजम्पशन कीजिए। बिल्कुल जी। संपत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, आप हरीश जी से बहुत अच्छा उदाहरण है। एक टीचर के रूप में ये हमेशा से खुश रहते हैं, और सभी फाउंडर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हरीश सर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब इनके साथ मैंने, मतलब चाहे हैदराबाद हो, चाहे माउंट आबू हो, काफी सारा समय मतलब व्यतीत किया है। वाकई में सैल्यूट करता हूँ ऐसे टीचर को। और जब आप ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने कई सारे आपके वीडियोस भी देखे, मतलब छोटी चीजों को कैसे बड़ा करना, कोई अगर सीखना चाहे तो हरीश सर से सीख सकते हैं। और जैसा कि हरीश सर ने दोस्तों बताया है, अभी जो OnPassive लॉन्चिंग प्रोसेस चल रही है उसका आनंद उठाइए, और संडे है अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। बार बार किसी को कॉल करने से कोई मतलब नहीं है, आप अपने बैक ऑफिस पे फोकस रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हरीश जी आपका, स्वाति मैम, खुशबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका, तो हम चाहेंगे कि और करते हैं जी। सर अच्छा लगा आप दोनों आए, और क्योंकि लीडर के साथ भी हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भी कई पेज जो ढीले हुए होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि लीडर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और बाकी काफी सारे फाउंडर्स भी आज जुड़े हमारे साथ, तो उनका भी थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। तो वी आर सो इन इट टू विन। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए,